जीएमएम में बगावत के सुर तेज हो गए हैं, जीएमएम में बगावत हो गई है। जी हां, काफी दिनों से न्यूज 11 इस बात को दोहरा रहा था कि बोरियो के विधायक लोबिन हेमरम बगावती तेवर आजमाए हुए हैं, बगावती सुर रख रहे हैं। कल झामुमो ने दो सीटों से प्रत्याशियों की घोषणा की। झामुमो ने सिंहभूम से जोबा मांझी को उतारा है और राजमहल से सिटिंग सांसद है वहां के विजय हांसदा, उनको टिकट दिया गया है। विजय हांसदा के नाम की घोषणा के साथ ही लोबिन हेमरम ने एक बार फिर बगावती सुर छेड़ दिया। राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है लोबिन ने। जीएमएम ने राजमहल सीट से विजय हांसदा को बनाया है प्रत्याशी। विजय हांसदा पर लोबिन का ताबड़तोड़ हमला। जनता ने सांसद बनाया, विजय बन गए ठेकेदार, लोबिन का दावा है। राजमहल की जनता जानती है विजय हांसदा का सच। सोरेन परिवार पर भी विरासत के दुरुपयोग का उपयोग आरोप लगा दिया है लोबिन हेमरम ने। दुर्गा सोरेन की मौत के बाद हेमंत को मिली विरासत। हेमंत के जेल जाने पर विरासत कल्पना सोरेन को क्यों, लोबिन का सवाल है। बसंत या सीता सोरेन की सत्ता पर कल्पना का दावा क्यों। शिबू सोरेन के संघर्ष के साथ ही लोबिन की बगावत से जेएमएम को झटका। चमरा लिंडा और दशरथ गगराई पर भी राज्य की नजर है। वरिष्ठ जेएमएम नेता लोबिन हेमरम हुए बागी। चौदह सीटों पर यूपीए ने चुनाव लड़ा था 2019 में। झामुमो ने सिर्फ एक सीट निकाली थी, विजय हांसदा ने वो सीट निकाली थी राजमहल से। और आज सिबू सोरेन के संघर्ष के साथी होने का दावा करने वाले लोबिन हेमरम ने बगावत में यह कह दिया कि विजय हांसदा सांसद नहीं रहे, ठेकेदार बन गए हैं। झामुमो के भीतर से उठने वाला यह सुर झामुमो की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। निश्चित तौर पर एनडीए को बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा लोबिन हेमरम ने। समझिए, उसको बगावत ही किया तो लोबिन हेमरम आज बागी है या झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। और अस्थायी नियोजन नीति पी पैसा एक्ट जो यहां के लोग के लिए जरूरी है, यहां जल जंगल जमीन बात है, संस्कृति की बात है, अपना आइडेंटिटी कैसे बचेगा, इस पर नहीं हुआ कुछ। इसीलिए हम बार बार बोलते तो हमको बागी कहा जा रहा। लेकिन जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार बनी, पूरे झारखंड प्रदेश में संगठन ठहराव शिथिल हो गया। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, और हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री ये जेल जाने के बाद विरासत बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। और आज हेमंत सोरेन गद्दी में रहने के बाद क्या सीता सोरेन को गद्दी में नहीं बैठा सकते थे। शीर्ष नेता है, कई बार के विधायक हैं, झामुमो की रीढ़ माने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद झामुमो शिथिल हो गया। उनका दावा है कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद जब हेमंत सोरेन को सत्ता मिली, हेमंत सोरेन को विरासत में जो सत्ता मिली, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद वो सत्ता कल्पना सोरेन को देने की तैयारी क्यों है, बसंत सोरेन और सीता सोरेन को क्यों नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले झामुमो छोड़कर गुरुजी के परिवार से उनकी बड़ी बहू सीता सोरेन निकल चुकी हैं, एनडीए की प्रत्याशी हैं, दुमका से सांसद का चुनाव लड़ेंगी। और अब लोबिन हेमरम ने राजमहल से बगावत कर दी है। ऐसे में आईएनडीआईए कैसे मोदी की फौज को रोकेगा, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हमारे साथ फोनलाइन पर राकेश हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं। राकेश, लोबिन हेमरम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, काफी दिनों से सुर बगावती थे, उन्होंने पहले भी कहा था कि राजमहल से अगर टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने कह दिया, कल्पना सोरेन पर बड़ा निशाना साध लिया राकेश। उन्होंने साफ कह दिया कि दुर्गा सोरेन के मरने के बाद विरासत हेमंत को मिली, तो हेमंत के जेल जाने के बाद विरासत बसंत को मिलनी चाहिए थी या सीता सोरेन को मिलनी चाहिए थी, कल्पना सोरेन को क्यों। राकेश,
अब बिल्कुल देखिए, ये पहले से ही तय माना जा रहा था और लॉबिन हेमरम जो थे वो वेट एंड वॉच की स्थिति में थे। कल ही जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, दूसरी लिस्ट जैसे ही जारी हुई कि राजमहल से विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी होंगे, उस वक्त ही ये तय हो गया था। और हमने उस वक्त ही लॉबिन हेमरम से बात भी की थी अभिषेक, तो उन्होंने कहा था कि आज के बारे में कि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा कर देंगे। तो उन्होंने औपचारिक घोषणा कर दी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वो अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने पूछा कि अगर गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर गुरुजी आपसे बात करेंगे, जो आज के सर्वमान्य नेता हैं जिनको आप पूछते हैं, आपके लिए पूजनीय हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करेंगे तो क्या आप करेंगे? तो उनका साफ तौर पर कहना था कि गुरुजी जैसे ही इस बात की जानकारी उन तक पहुंचेंगी कि मैं वहां से प्रत्याशी हूं, तो इस बात को लेकर खुश होंगे, ना कि वो नाराजगी व्यक्त करेंगे। तो पूरी तरीके से अपने फैसले को लेकर अडिग है और उनको कॉन्फिडेंट भी है कि राजमहल की जनता इस बार उनको जिताने का काम करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सांसद हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी हैं वहां से, उनको लेकर राजमहल की जनता में खासी नाराजगी है। और ये जनता की आवाज थी, ये लॉबिन हेमरम की आवाज नहीं थी, ये जनता की आवाज थी और जनता के आवाज और उनके कहने पर ही वो राजमहल की सीट पर निर्दलीय खड़ा होने जा रहे हैं। रही बात कल्पना सोरेन की, जिस तरीके से कल्पना सोरेन को पार्टी आगे कर रही है, साफ तौर पर उनका कहना था कि जब राजनीतिक विरासत की बारी आई, जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, तो ऐसे में राजनीतिक विरासत यह तो घर की बड़ी बहू सीता सोरेन के हाथ में जानी चाहिए थी या फिर बसंत सोरेन को मिलना चाहिए था। सीता सोरेन दूसरे घर चली गई, बीजेपी चली गई, लेकिन परिवार ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। तो कई मोर्चों पर हमलावर नजर आए लॉबिन हेमरम, पार्टी संगठन से लेकर और पार्टी के अंदर जो चीजें हो रही हैं उस पर भी लॉबिन हेमरम का हमला काफी तल्ख रहा अभिषेक। बहुत बड़ा हमला कर दिया हेमंत सोरेन पर राकेश, साफ कह दिया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही सत्ता में आए झामुमो शिथिल हो गई। इतना बड़ा आरोप, वो भी झामुमो के शीर्ष नेता, कई बार के विधायक, लॉबिन हेमरम के द्वारा गुरुजी के संघर्ष के साथी हैं। बिल्कुल देखिए, गुरुजी के संघर्ष के साथी हैं और गुरुजी को अपना आदर्श भी मानते हैं, और बीते चार साल के उनके पॉलिटिक्स को देखे तो वो लगातार जेएमएम को लेकर, उस वक्त की तत्कालीन सरकार जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर, वो लगातार हमलावर ही रहे थे चार सालों तक, और आज भी वो हमलावर रहे। उनको लगता है कि जब से हेमंत सोरेन ने गद्दी संभाला, जब से हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता आई, पार्टी संगठन जो है वो पूरी तरीके से स्थिर हो गई। किसी तरीके का कोई एक्टिविटीज पार्टी के अंदर में नहीं हो रहा है, न ही सदस्यता अभियान चल रहा है। तो उनको लग रहा है कि जिस संगठन के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई थी, वो संगठन आज पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस संगठन की बात कर रहे थे, जो संगठन बनाया था गुरुजी ने, जिस संगठन, वही सेम बात दुर्गा सोरेन के निधन पर सीता सोरेन ने भी कहा। सीता सोरेन ने भी जब भाजपा ज्वाइन किया, उन्होंने भी ये कहा कि झामुमो नीति और सिद्धांतों से भटक गया है। आज लॉबिन हेमरम ने भी कह दिया कि झामुमो नीति और सिद्धांत से भटक गया है। लेकिन ये तब कहा जब टिकट कट गई, विजय हांसदा को टिकट मिली, उसके बाद देखना है लॉबिन इस्तीफा देते हैं या झामुमो रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई व्यवस्था लगती है। बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।